नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक मुजरिम नहीं बल्कि अपने स्वर्गवासी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए एक डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी बहन जिसे लोग उल्टा और बाप नहीं कहकर पत्थरों से मारते हैं, वो आज की तरह एक जिंदा लाश नहीं बल्कि खस्ती खिलखिलाती खुशनुमा जिंदगी थी। मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता था जब वो मुझे प्यार से भैया कह के पुकारती थी। भैया, राजू भैया। अरे भाई क्या है, जल्दी से दूध पी लो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं मैं दूध नहीं पीता। भैया पी लो ना दूध। ये क्या रोज रोज तू दूध का गिलास लेकर मेरे पीछे पड़ जाती है? इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। कितनी पढ़ाई करती है, घर का सारा काम करती है, कॉलेज जाती है, और हाँ इस घर में दूध मेरे लिए नहीं तेरे लिए आता है। और तुम जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबों में सर खपाते हो, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हो और रात को पार्ट टाइम जॉब करते हो, इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है। ठीक है काम करते हैं, आधा दूध तू पी ले आधा मैं पी लेता हूँ। पूरा दूध तुमको पीना पड़ेगा। अरे तू चुप करके पीती है कि मारू एक थप्पड़। बुरा भी नहीं। और क्या करती मैं, तुमने मुझे डरा जा दिया, छोटी बहन हूँ ना इसलिए इतना जोर चलाते हो। भाभी को आने दो तो फिर देखना क्या कैसे उसके इशारों पे नाचोगे। मैं जोरू के गुलाम बन जाओगे। मैं गुलामी करूंगा। करोगे करोगे, वो दिन को रात कहेगी तुम रात कहोगे। अरे देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मुझे तो अभी साफ दिखाई दे रहा है, तुम झाड़ू लगा रहे हो, झूठे बर्तन साफ कर रहे हो। क्या बोली? लक्ष्मी की बच्ची, लक्ष्मी की बच्ची, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा। अरे अरे झाड़ू पोछा ही क्या, सुबह शाम खाना भी क्या कर रही थी। मैं उसके पाँव दबाऊंगा, उसके पाँव नहीं दबाऊंगा, तेरे पैरों में जंजीर बांधूंगा जिंदगी भर के लिए, समझी? अब कौन किसकी गुलामी करेगा, वो मेरी है मैं उसकी। हाँ भैया कॉलेज तो 10 बज गए। कॉलेज जोरू का गुलाम। ए तेरी मेरे जोरू का गुलाम बोलती, मैं और जोरू का गुलाम दिखता है किसको, दिखता ही नहीं आजकल। अरे यार सब बुक्स खराब हो गए, बारिश का दिन तो अच्छा पानी से बचिए। हाँ तो लड़की के पाओ यार। वो देख कैसी है? माल है। छेड़ दूं क्या? हाँ छेड़ दो। ऐसी गुस्से वाली नखरे वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। आओ ना। ये यू इडियट, मेरी बहन को छेड़ा है। गरीब की बहन तो होती है छेड़ने के लिए सर। Yeah, I'm a bad man. छी, कितना कमीना है बॉबी, बहन को सीटी मारी और भाई की पिटाई कर दी। पूरे कॉलेज की लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। काश कोई इसे सबक सिखाता। कहाँ खो गया यार, फीस नहीं जमा करनी है? हाँ करनी है। फीस फीस फीस, तुम लोगों का बाप क्या कोई खजाना छोड़ के मरा था जो जिंदगी भर में तुम्हारी फीस का खर्चा उठाता फिरो?
बात बात में आप पिताजी का ताना क्यों देते हैं चाचा जी? ये मत भूलिए कि मरते वक्त वो बंगला और लाखों रुपए छोड़कर गए थे और वो सब कुछ आपने अपनी शराब और अय्याशियों में उड़ा दिया। क्या बोला? मैं अय्याशी करता हूँ, मैं अय्याशी करता हूँ। आज से तेरी पढ़ाई बंद, अपने लिए जाके कोई नौकरी ढूंढ ले, जब मर यहाँ से। ऐसा जुल्म मत करो चाचा, पढ़ाई छोड़ देगा तो इसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा, इतना ही प्यार अपने भाई से तो तू क्यों नहीं कर लेती नौकरी? तुम रो मत दीदी, भाग गई पढ़ाई, मैं नौकरी करूंगा दीदी, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालने के लिए नौकरी करूंगा मैं दीदी। ये क्या टेस्ट बाहर है? ये तो है, ये ले पैसे और जा भर दे कॉलेज में जाके। डरती क्यों है मुझसे? मेरे नाम की अंगूठी पहनी है तूने। अरे मेरी होने वाली बीवी है तू, इतना डरेगी तो सुहागरात कैसे मनाएगी? अरे आओ आओ जवाई राजा, खड़े क्यों बैठो ना। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ, यह बताने आया हूँ कि हफ्ते भर के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूँ और गांव से आते ही मैं से शादी करूंगा। अरे सगाई की अंगूठी तो पहनाई दी है तुमने, अब फेरों के लिए थोड़ा और सब्र कर लो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और इसके लिए तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तेरी बहन में ऐसा है ही क्या जो इसको देख के कोई सीटी मारे। साले तेरी ये मचाल, इन सब के सामने मेरी बहन की बेइज्जती करता है। हाँ हाँ, इज्जत तो तुम अमीरों की बहनों की होती है ना, क्योंकि गरीब की बहनों तो कचरे का डब्बा है, जिसका मनाया थूक दिया। हरामजादा, तू मेरी बहन की बराबरी इन दो कौड़ी की लड़कियों के साथ करता है। तेरी बहन क्या खाके इनकी बराबरी करेगी रे? अरे इन गरीब लड़कियों के लिए तो इनकी इज्जत ही काशी और गंगा है, मगर तुम जैसे अमीरों की बहनें, अरे सब जानते हैं, सब जानते हैं कहाँ कहाँ जाके मुंह मारती है, 90 चूहे खाती है और गंगा नहाने जाती है, समझा? यू बास्टर्ड। Leave him!
नहीं शंकर, नहीं। हद मत लगा, इसके लिए मैं ही काफी हूं। छेड़ता था ना? नहीं सर, मैं नहीं सर, मैंने उसे सीटी तू मारता था ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं की। अब भगवान के लिए मुझे मेरा काम करने दो और इसे इसका। नहीं सर। बात कहूं आपसे जी? अब मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपका नाम तक नहीं जानता। क्या नाटक करते रहते हो तुम लोग यार, चल ना। वेटर, ओए वेटर। यस सर। ये पैंट होटल वालों ने दी है या तू किसी से मांग कर लाया है, बोल ना। लात मत मारिए साहब। अबे तू गरीब आदमी है, थक्के लात खाने की आदत डाल ले। यार इसकी तनख्वाह कितनी हो गया? यही कोई 1000 रुपए महीना बस। अगर ये चाहे तो एक दिन में 1000 रुपए कमा सकता है। लेकिन इसको करना क्या होगा? हर रात को अपनी बहन को मेरे घर छोड़कर दूसरे दिन सुबह मेरे घर से ले जाना होगा, बस दैट्स ऑल। ये ले एडवांस 1000 रुपए। कम है तो बोल, एक और देता हूं। कम है तो बोल, एक और देता हूं। नहीं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, गलती मेरी थी, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गया। बैठ जा। देख यार, I'm sorry, okay? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते यार। देख सॉरी, 3 बियर लेके आया यार, प्लीज आई एम सॉरी। थैंक्स। हेलो हेलो, रामनगर पुलिस स्टेशन। देखिए वहां सूर्यदेव सिंह आए हैं, इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह शहर से। सर सर, आपका फोन है। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्यदेव स्पीकिंग। हाँ सूर्य, बॉबी बोल रहा हूँ। हाँ बॉबी बोल, क्या हाल है मेरे दोस्त? यार हाल तो ठीक नहीं है। कोई सुन तो नहीं रहा ना? नहीं, बेफिक्र होकर बोल। मेरे हाथों एक लड़के का खून हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक औरत ने देख लिया। मैं उसके पीछे भागा भी, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर भाग गई। लेकिन सूर्या, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। गुड। सुनो दोस्त, अगले महीने मेरी शादी है, जरा 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। समझो कि इंतजाम हो गया है। तो समझो कि तेरा काम भी हो गया। लाश को कोई लेने नहीं आता,
मेरा मतलब है लावारिस लाश का आप लोग क्या करते हैं? उसे हम सरकारी बिजली भट्टी में जला देते हैं। अच्छा अच्छा साहब, मेहरबानी करके ना इस लाश को भी बिजली की भट्टी में जला दीजिए। जरूर। नहीं, ऐसा मत करो चाचा, ये कोई लावारिस लाश नहीं है, ये मेरा भाई है। साली ड्रामा करती है मेरे साथ, चल चाचा, चल चाचा। नहीं चाचा, चाचा सुनो चाचा, प्लीज। मर गया तेरा भाई, मेरा भाई। चलो चाचा, चाचा छोड़ दो चाचा, चाचा प्लीज। राजू, राजू, ये लोग मेरे भाई को बिजली की भट्टी में जला देंगे। राजू, राजू। रो मत पारुल, रो मत तू। ए, छोड़ दे इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सच? मैं तो डर गया। अबे, ए राजू, ए राजू, बे छोड़, मैं कह दूँ, छोड़। तू कहाँ जा रही है? मैं राजू के साथ जा रही हूँ। किस हैसियत से? उसकी होने वाली पत्नी की हैसियत से। अरे तू उस पुलिस वाले को नहीं जानता, जब उसे पता चलेगा ना कि उसके सपनों का महल जल गया है, तो वो दिल जला सारी दुनिया में आग लगा के रख देगा। अच्छा, तो यही है तेरा यार जिसके साथ तू आंख मटक्का कर रही है? हाँ। अब कर लो जो करना है। भैया। भैया। भैया दूध पी लो। नहीं, दूध नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बच्चे, जिद नहीं करते, पी लो। अरे नहीं चाहिए यार। प्लीज भैया, पी लो ना। नहीं नहीं नहीं, जब वो इतने प्यार से कह रही है तो पी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, पी लेता हूँ। ना दे। चोरू का गुलाम। ब्लाउज प्रेस करना। ला मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अरे लाना, कुछ नहीं होता ना। अरे लाना। ओहो, भाभी का ब्लाउज प्रेस कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा लगे हाथ इस पे भी हाथ फिरा दूँ। हाँ हाँ, लगे हाथ भाभी के जूठे बर्तन भी साफ कर देना। ठीक है, कर दूँ मैं। नहीं नहीं, और लगे हाथ भाभी के सैंडल की पॉलिश कर देना भैया। सैंडल पॉलिश नहीं, मैं तेरे भेजे की मालिश करूँगा। क्या हुआ? कुछ जल रहा है। क्या जल सकता है? भाभी का ब्लाउज। ब्लाउज? भाभी को तंग होंगे। तुम एक काम करो, तुम भाभी के लिए कुछ और कपड़े खरीद लो, और साथ में एक शादी का जोड़ा भी। शादी का जोड़ा? हाँ, शादी का जोड़ा। तुम और भाभी फौरन शादी कर लो। शादी?
ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। वर के हाथ में कन्या का हाथ दीजिए। ओम गणानन्वा गणपति तुम हवामहे रवि का खून करते हुए आपने इसी लड़के को देखा था ना? जी जी हाँ। झूठ बोलती है औरत। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। कि ये झूठ बोलकर आपको क्या मिला, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस झूठ ने मेरा तो सब कुछ लूट लिया। चल 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 उतार ये शादी का जोड़ा, ये तुझे अच्छा नहीं लगता। चल बोल बोल, उस इंस्पेक्टर के साथ शादी करेगी या नहीं बोल। अगर मैं इनकार करूँ तो तुम मुझे मारोगे? तो फिर देर किस बात की है चाचा, मार मार के मेरी खाल उधेड़ दो। चाचा मुझे कसम है मेरे यार की, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मुझे भी कसम है, आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इसी कोतवाली में मैं तेरी कब्र खोदूंगा। पारुल की मर्जी के खिलाफ तूने उससे सगाई की नाजायज तरीके से। यह जानते हो भी कि वो बालिग है, तूने उसे कॉलेज से अगवा करने की कोशिश की नाजायज तरीके से, और अब उसे पाने के लिए तू मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहता है, वो भी नाजायज तरीके से। लेकिन इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि तू खुद चाहे इस बाप का बेटा नहीं, पड़ोसियों की मेहनत का नतीजा है तू। कमीने, मेरी गलत हरकतों का नतीजा तो तू तब देखेगा जब मैं तेरी महबूबा के साथ शादी करके यहीं इसी जगह तेरी आंखों के सामने उसे लेकर आऊंगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे। ये लो 100 रुपया पंडित, मंत्र जरा शॉर्टकट में पढ़ना। अरे यार थोड़ी देर और सबर कर ले, मैं तेरी सेज सजा कर आता हूँ। सिगरेट दे यार। तू अंदर कैसे चली आई? चल भाग यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अरे चल हट। ए लड़की रिवॉल्वर दे। ए लड़की रिवॉल्वर दे, मैं कहता हूँ रिवॉल्वर दे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि ओम गणनाथ मंगलमय गणय लिंब के गौरी नारायण। मंत्र चालू रख पंडित। Come on.
पारुल। राजू। पारुल। क्या हुआ? राजू। हाँ बोलो। राजू। हाँ बोलो। राजू। हाँ पारुल। है पारुल। पारुल। इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बाद मेरा क्या होगा।